नमस्कार, स्वागत है आपका आज दिनभर के कार्यक्रम में। मैं हूं अनु शर्मा। तो आइए सबसे पहले रुख करते हैं प्रमुख गतिविधियों की ओर। नौकरी दिलाने का झांसा देकर एक दर्जन लोगों से 51 लाख रुपए हड़प कर धोखाधड़ी करने वाली एक छात्र महिला को हमीरपुर पुलिस ने शिमला से दबोचने में की कामयाबी हासिल। धोखाधड़ी में पकड़ी गई महिला सपना रानी को हमीरपुर कोर्ट में किया गया पेश। केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को जैसी विवाद अशब्द टिप्पणी पर लोगों में सरकार की हो रही किरकिरी। केंद्रीय राज्य मंत्री हिंसा को उकसाने जैसी टिप्पणियां कर रहे, कहा कांग्रेस सोशल मीडिया के चेयरमैन अभिषेक राणा ने। नगर परिषद बिलासपुर डंपिंग साइट का विवाद और भी उग्र हो गया। नगर परिषद के सफाई कर्मचारी के साथ हुई मारपीट को लेकर कर्मचारी काम काज छोड़कर बैठे हड़ताल पर। बिलासपुर के जंडुता उपमंडल के एक सरकारी स्कूल में पीटीए पर कार्यरत एक अध्यापक का शव एक नाले से रहस्यमयी परिस्थितियों में हुआ बरामद। नाले में शव मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी।